ये हार्ट फ्रेंडली और रादर देन दिस हेल्थ फ्रेंडली डाइट ये एक बना सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ सर, ब्रेकफास्ट में 50 से 100 ग्राम स्प्राउटेड विद 1 ग्लास ऑफ जूस, अवॉइडिंग पराठा, अवॉइडिंग घी, ऑयल, फैट इन द मॉर्निंग। दोपहर के मील में एक दाल जरूर हो, एक ग्रीन सैलड जरूर हो, और चपाती खाएं, आपने कहा बिना चुपड़ी खाएं, पर थोड़ा सा सर एक आध चम्मच अलाउ कर सकते हैं, एक आध चम्मच अलाउ हो सकता है, पूरे दिन में दो चम्मच तक आप ले सकते हैं। राइट, गाय का घी तो खा सकते हैं, घी सर, घी है चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे किसी का घी, ऐसे ही नमक है, नमक चाहे नमक हो, नमक सेंधा नमक हो, कैसा भी नमक हो, नमक नमक है। गाय को बताते कम फैट। अच्छा सर, एक और है ना, लेकिन फैट एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे हम लोग तो एडिक्ट है सुबह चाय पीने के लिए। जी, मैंने कोशिश किया कि मैं चाय छोड़ के जूस पीऊँ, ठीक है, तो क्या होता है, कभी गैस बन जाएगी, पूरा सर दुखने लगेगा, पूरे दिन काम करने की मतलब वो हो जाएगी हालत खराब। आपने अपनी हैबिट ऐसी बनाई है, डेफिनेटली एक्चुअली चाय में कैफीन है, और कैफीन एक थोड़ा सा नशे वाली चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा हाई करता है, वो जो मैंने प्री वर्कआउट के बारे में बताया, उसमें अगर एक या दो ग्राम कैफीन है चाय में, तो जो प्री वर्कआउट में 20 ग्राम है, तो वो और ज्यादा हाई करता है। इसको कैसे छोड़ सकते हैं सुबह की चाय? देखिए, हमेशा किसी से रिप्लेस करना होता है,